हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑटो गुरु। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल ऑटो गुरु में। तो आज हम आपको श्रीराम ऑटो मॉल इंदौर की जो नीलामी होने वाली है कल यानी कि 6 जुलाई 2024 को, उसका पूरा स्टॉक दिखाने वाले हैं। और उसी के साथ में हम आपको इंदौर के अलावा जहाँ जहाँ पर नीलामियाँ होने वाली हैं कल 6 जुलाई 2024 को ऑल इंडिया में, उसकी लोकेशंस के बारे में, कितने व्हीकल्स वहाँ पर नीलामी में आपको देखने को मिलने वाले हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। तो उसके पहले यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे और टाइमली ऑक्शन प्राइस पर पहुंचकर आप गाड़ियाँ खरीद सकें। तो आइए, बारिश हो रही तो फटाफट हम आपको स्टॉक दिखा देते हैं, क्योंकि बारिश में आपको स्टॉक भी दिखाना है। थोड़ा गीला हो रहा हूँ, चलेगा। बाकी आपको स्टॉक दिखा देते हैं, उसके साथ में पूरी डिटेल दे देते हैं कहाँ पर नीलामी होने वाली है। तो एक गाड़ी हमारे पीछे खड़ी है, ये 2016 आयशर 2015 मॉडल ये गाड़ी है। ये कल आपको नीलामी में देखने को मिल जाएगी। कंटेनर बॉडी में ये गाड़ी है, पीछे जो खड़ी है बैक साइड में जो गाड़ी देख रहे हैं आप आयशर 2016, ये आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा और भी जो गाड़ियाँ हमारे पास हैं हम आपको देख के चलते हैं। तो चलिए हमारे साथ, हम दिखाते हैं आपको सारी गाड़ियाँ। और तो फ्रेंड्स, कल श्रीराम ऑटो मॉल इंदौर में जो गाड़ियाँ नीलाम होने वाली है उसमें ये सभी टू व्हीलर्स आपको देखने को मिलने वाली है। सभी टू व्हीलर्स के नीलामी में रहेंगे। इसमें डीलक्स, HF डीलक्स, बजाज पल्सर, TVS राइडर, सभी तरह की गाड़ियाँ आपको देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी सारा स्टॉक टू व्हीलर में भी है, लगभग 90+ गाड़ियाँ, 90+ गाड़ियाँ का नीलामी में आपको देखने को मिलने वाली है श्रीराम ऑटो मॉल इंदौर में। तो आप आइए श्रीराम ऑटो मॉल इंदौर, गाड़ियाँ खरीदिए। और अभी हम आपको वन बाय वन पूरे सेगमेंट का स्टॉक दिखाएंगे। इसमें टू व्हीलर आपको दिखा चुके हैं, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, फोर व्हीलर कमर्शियल, हैवी कमर्शियल, फार्म इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, सभी तरह की गाड़ियाँ आपको देखने को मिलने वाली है। तो आप बने रहिए वीडियो के एंड तक और स्टॉक देखते रहिए। और साथ ही साथ जो दूसरी लोकेशन में नीलामी होने वाली है, लगभग 35-40 लोकेशन है जहाँ पर कल नीलामी होगी, तो उसका भी आप अपडेट लेते रहिए। तो इंदौर की हम बात करें तो इंदौर में जो गाड़ियाँ हैं वो लगभग 90+ गाड़ियाँ आपको देखने को मिलने वाली है। उसके बाद ग्वालियर की हम बात कर लेते हैं तो ग्वालियर में 109 गाड़ियों की कल नीलामी होने वाली है। अहमदाबाद में 100 गाड़ियों की नीलामी होगी। अकोला महाराष्ट्र में 32 गाड़ियों की नीलामी होगी। ग्वालियर के बाद में जयपुर में 168 गाड़ियों की नीलामी होगी। लातूर में कुछ गाड़ियों की नीलामी होने वाली है। जोधपुर में 163 गाड़ियों की नीलामी होने वाली है। जोधपुर राजस्थान में, मुंबई में 131 गाड़ियों की नीलामी होने वाली है। रायपुर में 62 गाड़ियों की नीलामी होने वाली है। गुलबर्गा में 48 गाड़ियों की नीलामी होगी। पतानचरू में 181 गाड़ियों की नीलामी होने वाली है। कानपुर में 13 गाड़ियों की नीलामी होगी। वारंगल में लगभग 82 गाड़ियों की 82 गाड़ियों की नीलामी होगी। एलबी नगर हैदराबाद में 96 गाड़ियों की नीलामी होने वाली है। और एलबी नगर वसंतीपुर में 83 गाड़ियों की नीलामी होने वाली है। फरीदाबाद में 73 गाड़ियों की नीलामी होने वाली है। 73 व्हीकल्स वहाँ पर नीलामी में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद हैदराबाद अंबरपेट में आपको 34 गाड़ियाँ नीलामी में देखने को मिलेगी। कोल्हापुर महाराष्ट्र में 50 गाड़ियों की नीलामी होगी। अयोध्या ऑटो मॉल में 36 गाड़ियों की नीलामी होगी। हुबली में 49 गाड़ियों की नीलामी होगी। गुंटूर में 82 गाड़ियों की नीलामी होगी। अनंतपुर में 54 गाड़ियों की नीलामी होगी। विशाखापट्टनम में 106 गाड़ियों की नीलामी होने वाली है। येलंका में 87 गाड़ियों की नीलामी होने वाली है। कड़ापा में 26 गाड़ियों की नीलामी होगी। उसके बाद बेंगलुरु में, बेगूसराय में 29 गाड़ियों की नीलामी होगी। होसूर में 39 गाड़ियों की नीलामी है। सालेम में 61 गाड़ियों की नीलामी है। कोलकाता में 29 गाड़ियों की नीलामी होगी। चिदम्बरम में 22 गाड़ियों की नीलामी होगी। और कुंभकोणम में 40 गाड़ियों की नीलामी होगी। और कोचीन में 30 गाड़ियों की नीलामी होगी। डुंडीगल में 51 गाड़ियों की नीलामी होगी। मदुराई में 63 गाड़ियां, कोलाम में 127 गाड़ियां और गुवाहाटी में 74 गाड़ियां। ये सभी गाड़ियां कल नीलाम होने वाली है। लगभग ये 1500 से 2000 गाड़ियों का स्टॉक है जो कल नीलाम होने वाला है श्रीराम ऑटो मॉल की वेरियस लोकेशन में। तो आप इन लोकेशन में जाकर गाड़ियाँ खरीद सकते हैं। और हम बात करें तो इंदौर की, तो इंदौर में काफ़ी अच्छा स्टॉक आपने देखा अभी बैकग्राउंड में, जो स्टॉक आपने देखा है कारो सेगमेंट का, तो काफ़ी बढ़िया स्टॉक है जिसमें आपको क्रेटा, उसके बाद होंडाई एक्सेंट, डिज़ायर, अर्टिगा, इनोवा जैसी गाड़ियां देखने को मिली होंगी। तो और साथ ही साथ हमारे पास ट्रैक्टर में भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है। ट्रैक्टर में आपको सोनालिका, मेसी, पावरटेक, फार्मटेक, उसके बाद न्यू हॉलैंड, ये सभी तरह के ट्रैक्टर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ महिंद्रा भी आपको देखने को मिल जाएगा 275। तो आप ये सभी ट्रैक्टर्स वगैरह जो भी हैं, जितने भी व्हीकल हैं, सभी के लिए एक ही टोकन आपको देना है 20,120 रुपये, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जिसके माध्यम से आप नीलामी में बैठ कर गाड़ियाँ खरीद सकते हैं। तो कल आप श्रीराम ऑटो मॉल इंदौर आइए। आप यदि ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं हमारे, तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके अलावा यदि आप
आप वर्बली सुनना चाहते हैं तो आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए 9039396623, अगेन 9039396623। इस पर आप व्हाट्सएप पे हाई करिए, आपको एक लिंक प्राप्त होगी, उसके माध्यम से आप हमारे ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं और यूट्यूब चैनल के लिंक का यदि आपको चाहिए तो आप उससे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं हैवी कमर्शियल व्हीकल, ये भी कल आपको नीलामी में देखने को मिलेंगे। इसमें टाटा 407, अशोक लेलैंड इकोमेट, आयशर 1110, आयशर 1075, आयशर 1059, आयशर टाटा 1109, तो सभी तरह की गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। 12 टायर में आपको भारत बेंच का आपको ये बॉडी गाड़ी भी देखने को मिल जाएगी, उसी के साथ 14 टायर 10 टायर में भी गाड़ियाँ आपको देखने को मिल जाएगी। तो सभी तरह की गाड़ियाँ हमारे पास अवेलेबल है और नीलामी में प्रोसेस जो रहता है आपको बता दिया गया है, 20,120 रुपये लेकर आना होगा, आधार कार्ड पैन कार्ड लेकर आना होगा। गाड़ी खरीद लेते हैं तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, यदि गाड़ी नहीं खरीद पाते तो आपको सिम डे आपका 25,000 रुपये रिफंड मिल जाएगा। और गाड़ी खरीदने के बाद 7 दिन का समय आपको दिया जाएगा जिसमें ऑप्शन कार्ड इंक्लूड है, उसमें आपको पेमेंट जमा करके गाड़ी यार्ड से रिलीज़ करानी है। और साथ ही साथ आप जो गाड़ी नहीं खरीद पाते तो आपका पैसा सेम डे आपको रिफंड कर दिया जाएगा। पेपर की कंडीशन की बात करें तो पेपर आपको 7 दिन डेढ़ से 2 महीने में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी हमें। बाय बाय, थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।